Hi guys, this is Lavish Manan. I am founder of DigiHandler. It's a SEO agency and also I am a blogger. So in this video, I'll tell you how to use ChatGPT on God mode level. So basically, ChatGPT के बारे में हम सब लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा. हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है कि कैसे इतनी जल्दी ये कंटेंट लिख के देता है. आप इस कैसे इससे कन्वर्सेशन कर सकते हो, किसी भी तरह का आप इससे कंटेंट लिखवा सकते हो. बट इसमें एक इशू था, वो इशू ये था कि गूगल पे सर्च करके नहीं बता पाता था कि कोई पर्टिकुलर रिजल्ट में क्या है. और दूसरा लिमिटेशन था कि इसके अंदर में इनका जो लेटेस्ट अपडेट है दैट इज़ टिल 2021 एंड अभी 2023 चल रहा है, जस्ट स्टार्ट हुआ है. सो हमारे को अगर लेटेस्ट रिजल्ट चाहिए हो तो वो कैसे हो सकता है. हाँ, ये पॉसिबल है. तो अभी इसी के बारे में हम बात करेंगे कि एक ऐसा एक्सटेंशन हमने ढूंढा है जिसके हेल्प से आप इजीली लेटेस्ट रिजल्ट आज की डेट का या जो भी रीसेंट डेट है आप उस डेट का रिजल्ट निकाल के इसको यूज़ कर सकते हो. तो उस पे जाने से पहले आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि मैं इसके बारे में और वीडियोस डालूंगा तो उसके लिए भी आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आता रहे. एंड सेकेंड इज़ कि पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये, कैसे इसको यूज़ करते हैं और क्या रिजल्ट ये दे सकता है. देन इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा एक्सटेंशन है वो जिसके हेल्प से हम गूगल के सर्चेस को एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर पूरा ये पूरा स्क्रेप करके वहाँ से रिजल्ट लेकर आएगा, उसके बारे में आपको कंटेंट लिख कर देगा. कैन यू इमेजिन दी पॉसिबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ दिस. मतलब वी कैन इवन राइट अ वी कैन मेक अ कम्प्लीट निश वेबसाइट विद दी हेल्प ऑफ दिस. अब निश वेबसाइट क्या होती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे अगली वीडियोज़ में. बट हम एक प्रॉपर साइट बना सकते हैं जिसमें 30 से 40 पोस्ट हो विद अ पावरफुल कंटेंट जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखा हो, बिकॉज जो इसको डेटा मिल रहा है दैट इज़ ऑलरेडी ह्यूमन रिटन. तो जब ह्यूमन रिटन डेटा को ये मॉडिफाई करके लिखेगा तो काफ़ी हद तक इसमें इमोशंस ऐड होने के चांसेस हैं. आई एम नॉट सेइंग कि 100% इमोशंस आ जाएंगे इसके अंदर ह्यूमन की तरह, बट काफ़ी हद तक इसमें चांसेस हैं कि हाँ वो काफ़ी अच्छा कंटेंट लिख सकता है. बाकी प्रूफ रीड करके अगर आप उसको करते हो यूज़ तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपको दे देगा कंटेंट. एंड उस कंटेंट को आप हर जगह पे अपने ब्लॉग में उसको यूज़ कर सकते हो और उसके अराउंड में बहुत बड़ी एक अच्छी साइट बना सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा एक्सटेंशन है. तो एक्सटेंशन का नाम है वेब चैट जीपीटी. ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये डाल रखा था एक्सटेंशन. तो बेसिकली मैंने ऐसे ही मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा इसके बारे में, तो मुझे वहाँ से पता चला कि ये भी एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करता है एंड रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है. सिर्फ 7,000 यूज़र हैं और 11 ही रिव्यूज़ हैं इसके बस. तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन वेब चैट जीपीटी. ठीक है, तो जैसे इसमें आगे वेब लिखा है तो बेसिकली ये वेब के अराउंड में सर्च वेब से सर्च करता है गूगल से और सब जगह से एंड उसके बाद वो रिजल्ट देता है हमारे को. तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन डाल लिया है, मेरा ये एक्सटेंशन डाला हुआ है. ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा. आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो लॉगिन करने के लिए. मेक श्योर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हो, OTP वगैरह डाल के वो अकाउंट क्विकली साइन अप हो जाता है. तो मैं वो प्रोसेस अभी नहीं बता रहा हूँ, पता नहीं आएगा. तो बेसिकली आप इसमें चेक कर सकते हो कितने रिजल्ट आपको लेने हैं ना. ये कुछ नंबर ऑफ़ रिजल्ट उठाता है ऊपर से एंड उसके हिसाब से वो शो करता है हमारे को. उसके बाद आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने पुराने रिजल्ट आपको देने हैं. लेट से मैंने पास्ट डे चूज़ कर लिया एंड उसके बाद मैंने अपनी कंट्री चूज़ कर ली. कंट्री मैंने चूज़ कर ली US. अब हम बात करते हैं कि इस पे हम किस तरह की साइट्स बना सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट आता है अमेज़न एफिलिएट साइट्स, सेकंड आता है रिव्यू साइट्स. तो पहले अमेज़न साइट बनाकर देखते हैं कि अमेज़न के अराउंड में किस तरह का हम कंटेंट लिख के कंटेंट प्रोवाइड करता है. राइट, सो एक मैंने ऐसे ही कीवर्ड चूज़ किया था, दैट इज़ गेमिंग एसस मोनीटर, लाइक एसस मोनीटर 27 इंच. राइट, तो मैंने ऐसे ही कीवर्ड पिक करा एंड उसके बाद मैं कोई भी ऐसे ही प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, देखते हैं एक बारी. तो मैंने ये वाला प्रोडक्ट उठा लिया. ठीक है, एंड मैंने ऐसे ही एक प्रोडक्ट का पूरा उठा लिया. अब इसका इसके ID के साथ इसको पिक कर लेना. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पिक कर दिया. अब मैंने इसको बोल दिया राइट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिव्यू इन 500 वर्ड्स विद समरी ऑफ ऑल रिव्यूज इन अ बुलेट पॉइंट फॉर्म. राइट, तो जस्ट वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है. तो देखो जब तक ये टाइप कर रहा है तो मैं बताता हूँ इसने बेसिकली क्या किया. इसने ना टॉप 10 रिजल्ट उठा लिए. देखो
हाँ, ये जो दे रखा है स्लाइडर, ये 10 रिजल्ट के लिए, तो इसने टॉप 10 रिजल्ट उठा लिए, वेयर टू बाय, और उसके बाद ये पर्टिकुलर कीवर्ड इसने सर्च करा गूगल पे, एंड अमेजोन के रिजल्ट आ रहे हैं इसमें, सारे काफ़ी सारे अमेजोन के आ रहे हैं, एंड वहाँ से इसने पिक कर लिए, कुछ यूट्यूब के भी आ रहे हैं, तो इसने टॉप 10 उठाया, राइट। अभी इसने एक टोटल एक कंटेंट लिख कर दे दिया, अब हमें इसको और लिखवाना है, ठीक है। मैंने सिर्फ 500 वर्ड्स में दिया था, मैं इसको बोलता हूँ कि और लिख दो, तो लेट से इसको बोलते हैं और इन बुलेट इन पॉइंटर्स, इन लेट्स से 500 वर्ड्स विद विद दी सम ऑल दी समरी ऑफ रिव्यूज इन पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का मतलब बुलेट पॉइंट के फॉर्म में, देखते हैं क्या लिख कर देता है। तो बेसिकली थोड़ा उसके बारे में बताएगा, उसके बाद जो बाकी लोगों ने बाकी साइट्स पर डाला हुआ कंटेंट उसको उठा के ये लिख कर दे देगा आपको। लाइक दिस कैन बी ह्यूज, मतलब बहुत अच्छा ये, इससे आप एक अच्छी साइट बना सकते हो, एंड उतना मुश्किल नहीं है। अब आपको पूरा प्रॉपर अमेजोन राइटर्स को हायर करना और वो सब नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इससे लिख सकते हो। और उसके बाद अभी जैसे हमने एक सर्च किया, ऐसे ही हम 10 अलग अलग कीवर्ड सर्च करेंगे, बस आपने यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर देना इस जगह पे, एंड उसके बाद आपके पास 10 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे टॉप के। 10 प्रोडक्ट्स को आपने अपनी साइट में डालना है और आपका कंटेंट बन गया। अभी ये देख लेते कितने वर्ड का कंटेंट उसने हमें दिया, ठीक है। तो मैं वर्ड काउंटर से चेक करके बता देता हूँ कितने वर्ड्स का कंटेंट हमारे को मिल गया यहाँ पे। तो देखो इसने 100 वर्ड का कंटेंट दिया, बुलेट पॉइंटर्स था, मे भी इतना कंटेंट नहीं होगा, दैट्स वाई। तो इसे 100 वर्ड का कंटेंट दिया, सो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट देखते हैं इसके बाद में, ठीक है। थोड़ा सा मैनुअली रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत कर लेना ताकि एक अच्छा वो कंटेंट निकल कर आए। पूरा ऑटोमेशन हो सकता है नो डाउट, बट जितना हम थोड़ा सा भी वो कर लेंगे तो ह्यूमन टच आ जाएगा उसके अंदर, राइट। तो एक इसके बारे में भी लिख लेते हैं, इसको हम उठाएंगे जहाँ पे इसके प्रोडक्ट का नाम आ रहा हो बेसिकली, तो इसके प्रोडक्ट का नाम देखो कहाँ पर आ रहा है, तो ये ऊपर में इसका नाम आ रहा है, उसके बाद मैं यहीं तक इसको पिक कर लेता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। मैं फर्स्ट लाइन ही पिक कर रहा हूँ, तो अब हम इसको जाएंगे यहाँ पे, एंड वापस से यही वेरिएशन, ठीक है। राइट अबाउट, थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, राइट राइट एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड मेक अ समरी ऑफ रिव्यूज फ्रॉम amazon.com इन 500 वर्ड्स। थोड़ा सा मैंने ऐड करा है, लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा। तो अब ये हो जाएगा, काफ़ी सारे रिजल्ट जो हैं देखो रेडिट से रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद आपके पास न्यू एक से रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अमेजोन से भी आ रहे होंगे कुछ तो, हाँ अमेजोन से भी आ रहे हैं एक रिजल्ट दो रिजल्ट, ठीक है। तो आपके पास अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ से, मतलब पहले क्या था लिमिटेशन कि गूगल पे वो सर्च नहीं कर पाता था, तो वो लिमिटेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसका एल्गोरिथम थोड़ा सा मैंने क्रैक करने का ट्राई किया, तो बेसिकली जो ये एक्सटेंशन है ये क्या कर रहा है कि जो रिजल्ट है ना टॉप 10 जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं उसी को वो पहले अपने पास एक्सट्रैक्ट करता है, एंड देन बैक एंड अपनी एक्सटेंशन की हेल्प से ही वो उसमें इंसर्ट कर देता है। इंसर्ट करने के बाद नीचे उन्होंने दे रखा है कि इस तरीके से लिख के करना, ठीक है। नीचे प्रॉम्प्ट हमारा दे दिया जो हम कीवर्ड डाल रहे हैं, तो काइंड ऑफ इस तरीके से ये दिखा रहा है, और लेटेस्ट रिजल्ट के अंदर में दिखा रहा है, देखो 4/1, तो इसी साल का हो गया, आज की डेट का हो गया, तो बिल्कुल लेटेस्ट रिजल्ट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखो इसने काफ़ी सही तरीके से दे दिया, बेसिकली पूरा ओवरव्यू दे दिया कि क्या आर्टिकल है, क्या प्रोडक्ट है, और उसका क्या रिव्यू है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में पॉइंट टू पॉइंट दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा फालतू की बातें नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं, सारे लिमिटेशन जो थे ना ChatGPT के वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। कोई लिमिटेशन, जो मेन इशू आता था कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही फॉर्म में बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर वो इशू नहीं आएगा। हो सकता है ये कंटेंट में प्लेगरिज्म आएगा, बट प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसमें प्लेगरिज्म रहता ही रहता है। एक प्रोडक्ट अगर 4K है तो 4K ही रहेगा, किसी भी साइट पर सर्च करोगे तो वो प्लैग में ही दिखाएगा, तो यहाँ पे वो वाला इशू भी खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, 3-4 ऐसे 10 प्रॉम्प्ट्स अलग अलग देने हैं इसको, एंड उसके बाद आपने इस पर कंटेंट पूरा अपना जनरेट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया एक सॉल्यूशन, अब आते हैं सेकंड सॉल्यूशन पे। सेकंड सॉल्यूशन हमारा है अमेजोन से हटते हैं, ठीक है। अमेजोन के बारे में बहुत बात कर ली हमने, अभी आगे की वीडियोज़ में थोड़ा बताऊंगा कि अमेजोन की साइट कैसे बनाते हैं, टूल्स कैसे सेटअप करते हैं अमेजोन के अंदर API की हेल्प से। तो नेक्स्ट हमारा आता है किसी, मान लो अगर हमें किसी टूल को रिव्यू करना हो, ठीक, किसी टूल का रिव्यू लिखना, तो मैंने ऐसे थोड़ा सा रिसर्च करा एंड आई फिगर आउट कि अगर हम इसके बारे में लिखें राइट अ रिव्यू अबाउट क्लिकअप टूल क्लिकअप एंड
टेक डेटा फ्रॉम g2.com, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, g2 देखो बहुत बड़ी वेबसाइट है g2.com, एंड दे पे यू 500 रुपीज़ फॉर अ पर्टिकुलर रिव्यू, तो काफ़ी अच्छा रिव्यू होता है इसमें, नो डाउट, ठीक है। अभी ये इसने पूरा बता दिया कि क्या टूल है, ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह इस पे आ सकता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, बिकॉज क्या होता है कि ये जो डेटा उठा रहा है वहीं से पूरा का पूरा उठा रहा है। एज अ बिगनर आपके पास एक लिखा हुआ कंटेंट आ जाए उसमें से थोड़ा मॉडिफाई करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, और वो भी फ्री में, कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा टाइम लग रहा है, वो भी 5 मिनट हार्डली एक आर्टिकल लिखने में। तो मैं ऐसे करते करते 1000 वर्ड्स का आर्टिकल इतने आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसके बाद इसमें लिख देते हैं कि थोड़ा सा और इसको एडवांस लेकर जाते हैं, ठीक है। राइट अबाउट क्लिकअप रिव्यूज एंड डिटेल्स इन 500 वर्ड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी ये लिख रहे हैं, मैं सिंपल लिख के देख रहा हूँ पहले, इसके बाद हम इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे, राइट, कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो थोड़ा इसमें हम ऐड ऑन तब तक सोच लेते हैं क्या करना है। रिव्यूज़ इसने दे दिया, राइट अबाउट क्लिक का प्राइजिंग एंड कंपेयर विद रिलेटेड टूल्स एंड टेक आइडिया फ्रॉम g2.com, ठीक है। जब तक ये यहाँ पे हो रहा है आपका प्लेगरिज्म चेक कर रहा है क्यूटेक्स पे, तब तक हम इसको बोल देते हैं कि हाँ प्राइसिंग और कंपैरिजन कर दे रिलेटेड टूल से, आइडिया ले ले g2.com से, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है ये। तो ये सही लिख रहा है, ठीक है, तब तक हम इसको देख लेते हैं। 43% हो गया है ये इट्स कंपटीटर्स नेम देम एंड स्पेसिफाई देयर कंपैरिजन इन प्लेटफॉर्म। अब देखते हैं क्या होता है। नाइस, टूल्स के भी नाम आ गए और पूरा ये आपको टैब बना के दे रहा है। देखो क्या चाहिए, और अभी अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है ना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं चैट जीपीटी के अराउंड में, क्योंकि इसके अराउंड में बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो कि ऐसा अच्छा वो कर रहे हैं और बहुत हिडन है, मतलब सब लोग शेयर नहीं करते, बहुत ही कम वीडियोस हैं इस टाइम पे यूट्यूब पे भी। तो टेक दी फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सब्सक्राइब कर लेना एंड सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ भाई कंटेंट डालना है मैंने भी, ठीक है। कितना प्लेगरिज्म आया है, 38%, और कहाँ से आया है, ये तो कॉमन ही रहेगा, ये भी कॉमन रहेगा, ये थोड़ा अलग है। तो इसको इस अभी ये सिर्फ 500 वर्ड्स हैं, ये समझो 500 वर्ड्स में जब आप ये नीचे ये ऐड करोगे, ऊपर में इंट्रोडक्शन ऐड करोगे, आउटर कंक्लूजन ऐड करोगे, तो ये जो 38% का प्लेगरिज्म है बिल्कुल कम हो जाएगा, वो वही रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगर अच्छा लगे तो बताना, और इसके अंदर में हम बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं। डू यू वॉन्ट पार्ट टू फॉर दिस, कमेंट डाउन कि हाँ पार्ट, वी वॉन्ट पार्ट टू, एंड आई विल ट्राई टू फिगर आउट द पार्ट टू विद सम एडिशनल प्रॉम्प्ट्स, जो कि हम जिससे और बेटर कर सकते हैं, या फिर और भी ऐसे अच्छे अच्छे एक्सटेंशन हैं जो हम ला के इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय बाय।